Hello students, so today we are going to study equation of the first order but higher degree. तो इसमें basically अपने को काम क्या करना है, तो क्योंकि यहाँ पर higher degree की बात करें तो यहाँ पर dy by dx को हम लोग denote करेंगे small p के रूप में, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर जो equations ली जाएंगी आपकी थोड़ी सी क्या है higher degree की होंगी, तो लिखने में आपको convenient लगेगा. तो हमने लिखा पहले as dy by dx will occur in higher degree, it is convenient to denote dy by dx by p. जो dy by dx होगा उसको हम लोग p से डिनोट करेंगे, और उस टाइप की इक्वेशंस को हम लोग कैसे डिनोट करेंगे, f ऑफ x y एंड p, क्योंकि वो इक्वेशंस में क्या क्या रहेगा आपके पास, इंडिपेंडेंट वेरिएबल, डिपेंडेंट वेरिएबल एंड p. p इज नथिंग बट dy by dx. अब यहाँ पर स्टडी करने के लिए अपने पास में तीन केस मिलेंगे, तो तीन केस में आपके पास में सबसे पहला केस आता है इक्वेशन सॉल्वेबल फॉर p, सेकेंड केस है इक्वेशन सॉल्वेबल फॉर y, और तीसरा केस है आपका इक्वेशन सॉल्वेबल फॉर x. तो तीन केस है, तीन केसेस में ही हम लोग बात करेंगे. तो पहले बारी बारी से बात करते हैं पहले केस के लिए. तो इक्वेशन सॉल्वेबल फॉर पी में क्या है, तो जैसे आपके पास इक्वेशन आएगी मैं आपको इसका रिव्यू बता रहा हूँ. आपके पास में जो भी इक्वेशन होगी सबसे पहला काम वही कि डी वाई बाई डी एक्स आपको स्मॉल पी के रूप में लिख लेना है. जो भी इक्वेशन आप बनेगी अब उसके पूरे लेफ्ट हैंड साइड का आपको क्या करना है, लीनियर फैक्टर में ब्रेक कर लेना है. तो लीनियर फैक्टर में ब्रेक करने के बाद में आप जो फैक्टर आएंगे उनको इक्वेट करा देना है जीरो के इक्वल, और फिर वहां से जो आपको इक्वेशन मिलेगी दैट विल बी फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री, उसका आप लोग फिर सॉल्यूशन निकालेंगे. तो जितने आपके लीनियर फैक्टर होंगे उसने आपके पास सॉल्यूशन आएंगे, और फिर उनसे आप एक जनरल सॉल्यूशन बनाएंगे, ठीक है. तो ये इसका रिव्यू था, मैं आपको बता दे रहा हूँ फिर से. केस फर्स्ट, इक्वेशन सॉल्वेबल फॉर पी, राइट, अ डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ द फर्स्ट ऑर्डर बट ऑफ द nth डिग्री इज ऑफ द फॉर्म, तो किस फॉर्म की होगी, वो इस फॉर्म की, दैट इज पी एन प्लस पी वन पी एन माइनस वन प्लस पी टू पी एन माइनस टू प्लस सो ऑन पी एन इक्वल टू जीरो. इस इक्वेशन को नाम दे देंगे आप फर्स्ट का. अब यहाँ पर ये जो पी वन, कैपिटल पी वन, पी टू और कैपिटल पी एन है, ये क्या है, दिस आर बेसिकली फंक्शन ऑफ एक्स एंड वाई. और ये पी क्या है, ये पी हमने पहले ही बता दिया, दिस इज दैट इज नथिंग बट डी वाई बाई डी एक्स, राइट. तो अब मेरे पास में ये इक्वेशन है, आपको जब क्वेश्चन मिलेगा तो आपको एक ऐसी इक्वेशन मिलेगी पी में, स्मॉल पी और कैपिटल पी में. तो हम लोग क्या करेंगे, इसके फैक्टर्स करेंगे, जैसे हम लोगों ने नाइन्थ टेंथ क्लास में सीखा है, एट्थ क्लास में सीखा है, तो हम लोग इसको स्प्लिट करके इसके फैक्टर करेंगे. और जब फैक्टर करेंगे तो हमारे पास में कुछ इस टाइप का आ जाएगा, जब फैक्टर आएंगे ऐसे आ जाएंगे, सो दैट शुड बी इक्वल्स टू जीरो, उसको जीरो के इक्वल रहेगा ये फैक्टर आ जाएंगे. तो अब इनको क्या करेंगे हम लोग, टर्म बाय टर्म इसको इक्वेट करा देंगे जीरो के, ये इक्वल टू जीरो, ये इक्वल टू जीरो एंड दिस इक्वल टू जीरो, इक्वेट करा दिया. तो आपको यहाँ से एक सॉल्यूशन मिलेगा, दैट इज पी इक्वल टू एफ वन एक्स वाई, पी इक्वल टू एफ टू एक्स वाई, इससे निकलेगा पी इक्वल टू एफ एन एक्स वाई, राइट. इसके बाद में क्या करना है, आप पी की वैल्यू को एस डी वाई बाई डी एक्स फिर से आप रख देंगे, ठीक है, यहाँ पर भी डी वाई बाई डी एक्स रख देंगे, यहाँ पर भी डी वाई बाई डी एक्स रख देंगे. तो इसको आपको सॉल्व करना है, तो यहाँ करेंगे क्या, मेथड ऑफ सेपरेशन वेरिएबल लगाएंगे, मतलब एक्स एक्स तरफ, वाई वाई तरफ, राइट. तो एक्स एक्स तरफ, वाई वाई तरफ इसको आप सॉल्व कर लेंगे थ्रू इंटीग्रेशन. तो जब सॉल्व होगा तो आपके पास में कुछ सॉल्यूशन ऐसा मिलेगा, ठीक है, एक एक्स वाई का फंक्शन और उसमें सी भी इन्वॉल्व रहेगा जो कि इंटीग्रेशन का आपका कॉन्स्टेंट है. अब आपके मन में एक सवाल आ सकता है, कहना सर यहाँ पर इंटीग्रेशन कर रहे हैं कॉन्स्टेंट आ रहा है, यहाँ पे इंटीग्रेशन कर रहे हैं कॉन्स्टेंट आ रहा है, यहाँ पे इंटीग्रेट कर रहे हैं कॉन्स्टेंट आ रहा है, तो कॉन्स्टेंट सारे हमने c क्यों लिए हैं, सी वन सी टू सी एन क्यों नहीं लिए, ये क्वेश्चन आ सकता है आपके माइंड में. तो मैं इसका आपका सॉल्यूशन बता दे रहा हूँ बेटा, क्योंकि ये आपकी ऑर्डर कितना है, ऑर्डर वन है, और डिग्री कितनी है, डिग्री आपकी n है. तो इसके लिए जो बेसिक कॉन्सेप्ट है वो यही है कि आपका जितना ऑर्डर होता है डिफरेंशियल इक्वेशन का उतने ही उसके जनरल सॉल्यूशन में कॉन्स्टेंट आते हैं. आई रिपीट, जितना भी डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर होता है उतने ही उसके कांस्टेंट आते हैं, राइट. तो आपका ये कांस्टेंट इसीलिए सब में एक ही है, सी है, ठीक है. तो अब इसका हम लोग जनरल सॉल्यूशन लिखेंगे नेक्स्ट में, ठीक है. तो फिर हम लोग अब कैसे बेटा जनरल सॉल्यूशन लिखना आप हमें, सो जनरल सॉल्यूशन लिखेंगे, सो जनरल सॉल्यूशन, जनरल सॉल्यूशन ऑफ फर्स्ट मे बी written as, may be written as, कैसे लिखेंगे, that is f1 x y c into f2 x y c into so on fn x y c equals to 0. This is your general solution, right? This is your general solution
ऑफ इक्वेशन फर्स्ट। तो आपको ऐसे ही निकालना है, जब भी आपके पास में इक्वेशन आएगी उसको आप लीनियर फैक्टर में ब्रेक करेंगे, इक्वेट कराएंगे, आपके पास में फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री की इक्वेशन मिल जाएगी, उसको इंटीग्रेट करेंगे और फिर आपके पास में सॉल्यूशंस आएंगे। जितने ऑर्डर के आप जितने आपके इक्वेशन की डिग्री होगी उतने आपके पास में लीनियर फैक्टर बनेंगे, ठीक है, तो उतने ही आपके पास सॉल्यूशन भी आएंगे। तो उसको कंबाइंड करके आप लोग ऐसे प्रोडक्ट फॉर्म में लिख देंगे, राइट, ठीक है। तो बेटा जो हमने अभी अभी केस बताया उसी पर मैंने एक क्वेश्चन लिया, आप क्वेश्चन कर लेते हैं और ये आपका जो इंट्रोडक्शन मैंने दिया था आपका बिल्कुल क्लियर हो जाएगा कि इसमें हमने क्या क्या किया है। अब देखो यहाँ से मैंने जैसा पहले स्टेप बताया था कि आप लोग क्या करेंगे, डी वाई बाई डी एक्स को पहले डिनोट कराएंगे पी से, तो लिख लेते हैं लेट पी इक्वल टू डी वाई बाई डी एक्स, ठीक है, देन इक्वेशन बिकम्स या देन गिवन इक्वेशन बिकम्स देन गिवन इक्वेशन बिकम्स, तो जो आपकी इक्वेशन हो कैसी हो जाएगी, दैट इज एक्स स्क्वायर पी स्क्वायर प्लस एक्स वाई पी माइनस सिक्स वाई स्क्वायर इक्वल्स टू जीरो। तो अब आपको ये देख रही इक्वेशन दिख रही होगी क्वाड्रेटिक, तो अब इसके आप फैक्टर कर लीजिए जैसे आप करते थे। तो फैक्टर कैसे करते थे, इसको इससे मल्टीप्लाई कराते थे, सो दैट इज माइनस सिक्स एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर पी स्क्वायर, तो आपको ऐसा लेकर ना जिसका सम तो आ जाए एक्स वाई पी और प्रोडक्ट माइनस सिक्स एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर पी स्क्वायर, तो हम लोग इसको फैक्टर कर लेंगे, दैट इज एक्स स्क्वायर पी स्क्वायर, राइट, तो थ्री टू जै सिक्स होता है, सो प्लस थ्री एक्स वाई पी माइनस टू एक्स वाई पी इक्वल्स टू जीरो, सॉरी माइनस सिक्स वाई स्क्वायर इक्वल्स टू जीरो। तो यहां से करेंगे फिर, अब यहां से जो जो चीजें कॉमन दिख रही हो कॉमन ले लीजिए, सो एक्स पी यहां से कॉमन, सो यहां से बचा आपके पास एक्स पी प्लस, तो एक्स पी आ गया, तो यहां से बचा आपके पास थ्री वाई माइनस, यहां से क्या आपको कॉमन दिख रहा है टू और वाई, ठीक है, यहां से टू वाई कॉमन लिया तो बचा क्या आपके पास एक्स पी और प्लस माइनस इंटू प्लस माइनस, तो प्लस थ्री वाई इक्वल्स टू जीरो, राइट, तो यहां से हो जाएगा अपने पास में कितना, दिस इज एक्स पी प्लस थ्री वाई इंटू एक्स पी माइनस टू वाई इक्वल्स टू जीरो। तो जिन लीनियर फैक्टर्स की हम लोग बात कर रहे थे वो लीनियर फैक्टर ये आ गए। अब हमने क्या बोला था कि जब लीनियर फैक्टर आपके पास आ जाएंगे तो इनको टर्म बाय टर्म इक्वेट करा दीजिए जीरो, तो क्या हो जाएगा, दिस इज एक्स पी प्लस थ्री वाई इक्वल्स टू जीरो एंड और एक्स पी माइनस टू वाई इक्वल्स टू जीरो, राइट, सो दिस इज नथिंग बट एक्स पी इक्वल्स टू माइनस थ्री वाई और इसको लिखेंगे दिस इज एक्स पी इक्वल्स टू टू वाई। नाउ व्हाट वी हैव टू डू, नाउ रिप्लेस पी एस डी वाई बाई डी एक्स, सो पी को रिप्लेस कर दिया आपने एस डी वाई बाई डी एक्स, सो दिस इज एक्स डी वाई बाई डी एक्स दिस इज इक्वल्स टू माइनस थ्री वाई, सेम हियर दिस इज एक्स डी वाई बाई डी एक्स इक्वल्स टू टू वाई, राइट। अब इसके बाद में क्या करना है, अब मेथड ऑफ सेपरेशन वेरिएबल लगा लीजिए, एक्स एक्स के साइड में वाई वाई के साइड में, तो जब एक्स एक्स के साइड में और वाई वाई के साइड में होगा तो कैसे हो जाएगा, दिस इज डी वाई ओवर वाई, ठीक है, ये वाई नीचे आ गया, दिस इज माइनस थ्री डी एक्स ओवर एक्स, सेम इसके साथ भी ऐसे कर लीजिए डी वाई ओवर वाई दिस इज टू डी एक्स ओवर एक्स, यहाँ तक समझ में आ गया। अब हम लोग यहाँ करेंगे, सो डी वाई बाई वाई आ गया माइनस थ्री डी एक्स बाई एक्स आ गया। अब आपका काम क्या है, अब आप इसको इंटीग्रेशन कर लीजिए, तो इंटीग्रेशन यहाँ लिख लीजिए ऑन इंटीग्रेशन वी गेट, जब इंटीग्रेशन आप करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, दोनों के साथ कर लेते हैं, पहले इसमें करिए, तो डी वाई बाई वाई दिस इज लॉग वाई, राइट, इक्वल्स टू माइनस थ्री लॉग एक्स, अब एक कांस्टेंट भी आएगा इंटीग्रेशन का, तो प्लस लॉग सी बोल दीजिए उसको, क्योंकि लॉग में है तो सिमेट्रिसिटी बनाने के लिए हमने लॉग में ले लिया, ठीक है, सो दिस इज नथिंग बट दिस इज लॉग ऑफ
एक्स टू पावर माइनस थ्री, राइट, लिख सकते हैं प्लस लॉग ऑफ सी. सो दिस इज नथिंग बट लॉग ऑफ सी एक्स पावर माइनस थ्री. तो दोनों तरफ से लॉग हट जाएगा. सो दिस इज इक्वल्स टू वाई इक्वल्स टू सी एक्स माइनस थ्री. और आप इसको कैसे लिख सकते हो, दिस इज y इक्वल टू c बाय एक्स क्यूब विच इज नथिंग बट एक्स क्यूब y इक्वल्स टू c. सो दिस इज नथिंग बट एक्स क्यूब y माइनस c इक्वल्स टू जीरो. तो ये आप इसको बोल दीजिए फर्स्ट, ठीक है. अब मुझे इस इक्वेशन का भी सॉल्यूशन निकालना पड़ेगा, तो अब इसके लिए काम करते हैं. तो ये आपका सेकंड फैक्टर था जो मैंने लिखा था, ठीक है. अब इसको इंटीग्रेट कर लेंगे, तो ऑन इंटीग्रेशन कितना आ जाएगा, ऑन इंटीग्रेशन वी गेट, इंटीग्रेट कीजिए तो ये मिलेगा आपको लॉग वाई इक्वल्स टू टू लॉग एक्स प्लस से लॉग सी, ठीक है. तो इसको क्या लिख लेंगे, दिस इज लॉग एक्स स्क्वायर प्लस लॉग सी, ठीक है. लॉगरिथमिक की प्रॉपर्टी लगा दी. अभी लॉग एम प्लस लॉग एन दैट इज लॉग एम इन टू एन, तो लॉग ऑफ एक्स स्क्वायर सी हो गया, राइट. तो लॉग लॉग दोनों तरफ से साइड कैंसिल हो जाएगा. दिस इज लॉग ऑफ वाई इक्वल्स टू दिस, दिस इंप्लाइज वाई इक्वल टू एक्स स्क्वायर सी, राइट. और इसको कैसे लिखा जा सकता है, दिस इज नथिंग बट वाई माइनस एक्स स्क्वायर सी इक्वल टू जीरो से सेकेंड, राइट. तो अब हमें क्या करना, अब हमें दोनों कंबाइंड करके सॉल्यूशन लिखना है. तो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड वी गेट, फर्स्ट क्या था आपका, दैट इज एक्स क्यूब वाई माइनस सी इन टू, सेकेंड क्या है, दैट इज वाई माइनस एक्स स्क्वायर सी इक्वल्स टू जीरो इज द जनरल सॉल्यूशन ऑफ गिवन इक्वेशन. सो दिस इज योर बेसिकली आंसर. तो ये आपका क्या है, ये आपका आंसर है, ठीक है. ये क्वेश्चन बहुत आराम से मैंने समझा दिया, अगर आप, आई होप कि आपको समझ में भी आ गया होगा. अगर फिर भी कहीं पर आपको प्रॉब्लम आती है कि ये क्वेश्चन सर यहाँ समझ में नहीं आया, तो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा. आपको ये वीडियो कैसा लगा, प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और लेटेस्ट अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए. थैंक यू वेरी मच.